एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रद्युम्न की हत्या के आरोपी अशोक ने दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है। अशोक की पत्नी उससे जेल में मिलने के लिए गई हुई थी। पत्नी से अशोक ने कहा कि उसे पीटा जा रहा है और उसे फंसाया जा रहा है। रैन स्कूल मामले में आरोपी कंडक्टर की पत्नी उनसे मिलने के लिए जेल गई थी, उनसे मिल करके आई हैं अशोक से। हमारे साथ ममता इस वक्त हैं। ममता जी, आप कल मिली हैं जेल में जा करके अशोक से, क्या क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने? पहले सर देखती उनकी आँखों में पानी भर आया, मैंने अपनी हिम्मत जुटाई है, मैंने आँखों में पानी नहीं लाया, मैंने ये कहा है आप हिम्मत से काम लो, सब आपके साथ है, जो सच है वो बोलो, आपने किया हो या ना किया हो आप सच बोलो। उन्हें कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा आप ही सच है साहब, सब हमें विश्वास है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आपके छोटे छोटे वो ऐसे इशारे में, पुलिस वाले पीछे खड़े थे उनके कई, तो ऐसे इशारे में बोला कि फंसाया जा रहा हूँ मैं, इतना ऐसे इशारे करके भी बोला कि ऐसे ऐसे मारा गया है। मैंने कहा जो होगी मार पिटाई वो होगी, अब आपके साथ कुछ नहीं होएगा, हम सब आपके साथ हैं, गांव वाले साथ हैं सब, और आप सच बोलना, इतना भी बोल कि आपके 18 तारीख को कोर्ट में पेशी है, आप बस आपको अपने बच्चे देख रहे हैं तो सच बोलना जो सच है वे, यही कहा। उन्होंने भी हाथ जोड़ के ये कहा है कि मैं सच बोलूँगा। अब उन्होंने मेरे को इतना वो किया कि मैं ये नहीं बोल सक क्या बोल रहा हूँ मैं क्या नहीं बोल रहा। आज जब गई तो रो रहे थे वो? हाँ जी बिल्कुल रो रहे थे। फिर मैंने कहा आप सच बोलियो, हाथ जोड़ के भी ये बोला कि मैं अब सच ही बोलूँगा। तो पहले उन्होंने क्यों ये बोला कि उन्होंने ये किया है? कि वो बोल रहे कि मैं गलत फंसाया गया हूँ, ऐसे बोल रहा इशारे करके कि मारा हूँ, जैसे ऐसे ऐसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, इतनी मारपिटाई हुई है कि मैं बता नहीं सकता क्या बोल रहा हूँ, दबाव में आया, मारपीट किया, कैसे भी ऐसे। मैंने बोला हमने वकील कर लिया है और जो भी सच हो आपसे वकील मिलने आएगा, सच बोलना, बस सच ही बोलना आपको, ये भी बार बार मेरी भी यही बातें हैं कि आप सच बोलना। उन्होंने भी यही बोला कि मैं सच ही बोलूँगा, आप सच बोलूँगा मैं सच। किसने मारपीट की उनके साथ? यही पुलिस वालों ने जैसे मारपीट की है कि मैं दबाव में आ गया हूँ ऐसे ही, ये तो नहीं बताया। मैंने ये बोला है कि आप सच वकील को बताना जैसा भी सच है। फिर ऐसे बच्चों के बारे में पूछे, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, घर पे मेरे पे कौन कौन है, कि सब सही है, सब घर पे ही हैं, कि मेरे बच्चे से ऐसे बोल रहे जैसे अपने गुरुजी की मानता करते हैं, कि मेरे बड़े वाले लड़के से रोहन से कहना कि बाबा का प्रसाद चढ़ाए हाथ जोड़ के, और बाबा को बोलना कि वो निर्दोष है, और जब घर आएगा तो आपके पेट पलनिया प्रसाद चढ़ाएगा, चादर चढ़ाएगा। फिर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई, जब वे रो रहे थे तो फिर मैं भी रोने लगी, फिर उनकी भाभी थी मेरे साथ में, उनसे बात हुई। क्यों आपको लग रहा है फंसाया गया है, क्या हुआ है ऐसा कि इनको फंसाया जा रहा है? ये तो सर मैं भी नहीं जानती, यहाँ से बिल्कुल सही गए थे जैसे डेली जाते हैं, नहीं कोई कंडीशन बताई थी स्कूल के बारे में भाई ऐसा चल रहा है ऐसा, कभी बिल्कुल सही थे जैसे रोज जाते हैं ऐसे गए थे, ये मुझे नहीं पता स्कूल में कहाँ क्या हुआ कैसे फंसाए गए कैसे। अच्छा जो चाकू की बात आ रही है, कभी आपने देखा बस में कैसे चाकू वगैरह? कोई मतलब ही नहीं चाकू के लिए, आप पूछ सकते हो पूरे गांव में रिकॉर्ड कैसा है कैसा नहीं है, पीछे से भी कैसा है, जन्म हो गया यहीं हुआ है ऐसा नहीं, चाकू का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है बिल्कुल भी, चाकू तो बिल्कुल ही नहीं, क्यों रखेगा जिसके छोटे छोटे बच्चे इतने नाजुक है, ऐसा नहीं कर सकता वो तो कैसे कैसे भी दबाव डाल रखा हो, फंसाया जा रहा है बस। ठीक है, तो ये ममता हैं अशोक की पत्नी, उनका ये कहना है कि अशोक से ये मिली थी और अशोक का ये कहना है कि उसको फंसाया गया है इस पूरे मामले में और इस पूरे मामले में उसका कोई कसूर नहीं है। अश्वनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, गुड़गांव। अब कोर्ट में पेशी है अशोक की, अब देखना यह भी होगा कि कोर्ट में जज के सामने अशोक क्या कहता है।